प्लीज फिर से शादी की बात नहीं। आप जानते हो ना आज क्या हुआ? वीरेन भैया मेरे सामने ऑलमोस्ट मौत के मुंह में। बोलिया तूने? माँ प्लीज मुझे गलत मत। आप जानते हो आज घर में क्या हुआ? और ऐसे हालात में मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता। आप जानती हो कल वीरेन भैया के साथ मेरा झगड़ा, कितना मारा पीटा मैंने उन्हें। हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, वो गलत थे, पर मैं नहीं चाहता कि वही झगड़ा मेरे दिल में उनकी आखिरी याद बन के रह जाए। चुप, एकदम चुप। माँ ये सब क्या? जानता है ना ये सब क्या है? तू नहीं जानता एक माँ का दिल बचपन से लेके आज तक। मैंने यही कोशिश की है कि तुझ पर कोई आंच ना आए, कोई बुरा साया तुझे छू भी ना पाए। जिस माँ ने परसों इतनी तपस्या की है अपने बेटे के लिए, तुझे क्या लगता है कि आज वही माँ अपने बेटे को मौत के हवाले कर देगी? कुछ नहीं करेगी वो तेरे लिए? तो अमृता और दिव्या ने तुझे सब कुछ बता दिया होगा कि अगर 25 साल पूरे होने से पहले तूने शादी नहीं की तो तेरी कुंडली में मार्केश योग लिखा है, मौत लिखी है। और ये बात आज ही उन दोनों को पता चली है। पता है तो जरूर होगा तुझे भी। और मैं इन सब बातों में नहीं मानता। पर मैं तो मानती हूं ना, तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए इसी ख्याल से डरती रहती हूं। मां हूं ना तेरी, समझ सकती हूं तेरा हाल। अगर वीरेन तेरा भाई है तो मेरा भी तो कुछ है। आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरे दिल में और डर बैठ गया तेरे लिए। प्रत्येक हर मुमकिन कोशिश करूंगी मैं तुझे बचाने का। आज तू नहीं समझ पाएगा, कल को जब तेरे बच्चे होंगे उन पर कोई तकलीफ आएगी तब तू समझेगा औलाद की तकलीफ से माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है। लेकिन माँ, बस बस रतिक बस, मैं चाहती हूँ ये कुंडली, शकुन नवशकुन, तावीज, धागा, ये सब कुछ तू नहीं मानता, लेकिन अपनी माँ को तो मानता है ना। अगर अपनी माँ का मुंह देखना चाहता है तो नीचे मंडप में तो जरूर आएगा, जरूर आएगा। और आज शादी कर, शादी कर। तुझे मेरी कसम है, मेरी कसम है। तुम्हें 10 साल जितना प्यार नहीं हो सकता। ऋतिक तुम्हें पता भी है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। 10 दिन में तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम्हें अपनी जिंदगी किसके साथ बितानी है। तुम अपनी आंखें बंद करती हो तो तुम्हें उसका चेहरा दिखता है। तुम्हें दर्द का एहसास हो गया पर तुम्हें ये नहीं एहसास हुआ कि 10 साल से जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे किसका चेहरा दिखता होगा। शुरुआत हो चुकी है मेरी इंतकाम की, पहला घात हो चुका है। जिस शादी पर सबकी नजरें टिकी थी वो नहीं हुई। तुम लोग सोचते रह जाओगे क्या हो गया कैसे, मैं अपना दूसरा बार दूसरा प्रहार कर दूंगी। ये एक नागिन का बदला है, कुदरत भी नहीं बदल सकती। ये सारा सामान वापस लगा दो, ठीक है? जहाँ पे था वो सब यहीं रख दीजिए।
आपको कुछ और चाहिए था नहीं? जी सब कुछ है, ठीक है। जैसा लगा था वैसे लगा दो, ठीक है, और ये सब हटा दो। मुझे नहीं, मेरी ड्रिंक को। वैसे तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पे ऐसे 12 क्यों बजे हैं? ओह, वीरेन भैया की वजह से ना? मैं भी बहुत सैड हूँ वीरेन भैया की वजह से। मेरी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, इसीलिए उनके गम में मैं कब से पिए जा रही हूँ, पिए जा रही हूँ। वीरेन भैया का ना एक्सीडेंट हो गया, बेचारे हॉस्पिटल पहुंच गए, बस उसी का गम है मुझे। गम में? हाँ, वेटर, वेटर। वो इतने सारे लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हैं? खुशी में। खुशी? हाँ, वो क्या है ना कि वीरेन भैया कोमा में है, पर फिर भी जिंदा है ना। पापा कह रहे थे कि अपनी जिंदगी पूरी तरीके से जियो। क्या आप आधा ग्लास लेकर आ रहे हैं? पूरा ग्लास लेकर आएंगे ना? I am always thinking love. वो क्या है ना कि जब मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ ना, तो कुछ भी बोल देती हूँ। हम तो समझा के थक गए थे कि शादी कर लो, पर ना भैया मान ही नहीं रहे थे। फाइनली भैया की शादी हो रही है, मान गए शादी के लिए। शादी के लिए मान गया मतलब ये लोग कल ही देश छोड़कर चले जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। ऐसे कैसे जाने दूंगी? मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। ये कहानी पूरी करनी है यहीं जहां ये शुरू हुई। गई तुम? कैसे नहीं आती? आज पूरन मासी की बड़ी रात है, कैसे भूल सकती हो आज रात की महिमा? आज की रात हम इच्छाधारी नाग नागिन शिवजी की आराधना करते हैं। अग्नि की आराधना करने से हमें हमारी शक्तियां मिल जाती है। किस सोच में पड़ गई? मुझे ऐसा लगता है कि शिवनी आज रात की बड़ी पूजा में नहीं आ पाएगी। परसों की परंपरा आज टूट जाएगी, क्योंकि आज शिवनिया का उस घर से निकलना मुश्किल लगता है। वो आएगी, उसे आना ही होगा। पर कैसे? वो इच्छाधारी नागिन, वो यहाँ आने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेगी। कैसे उन 5 पापियों ने उसके माँ बाबा को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। 5 में से 3 चेहरे तो उसने आंख में देख लिए थे, किंतु 2 चेहरे अब भी छुपे हुए हैं। वो जानती है कि उसका वो सुराग उसी घर में वही छुपा हुआ है। उनसे इंतकाम लेना है तो शिवन्या को अपनी शक्तियां वापस पानी होंगी, जो बिना शिवजी के आशीर्वाद के संभव नहीं है। उसे आना होगा। उसी के लिए तो आज रात मैंने एक सिद्ध योगी पुरुष को यहां बुलाया है। सुनते हैं कि उनमें शिव जी का वास है, उनके मुख से साक्षात शिव बोलते हैं और उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। उसका इंतकाम शुरू हो गया है। शिवन्या आएगी, अवश्य आएगी, उसे आना ही होगा। हर हर महादेव।
आज बहुत सुंदर लग रही हो तुम, बिल्कुल उस पूनम के चांद की तरह। मेरा दिल कहता है कि एक दिन वो आएगा तुम्हारी जिंदगी में जिसके लिए तुम बने हो। ये किस्मत वाला ही होगा जो तुम्हें पाएगा। मैं किसके लिए बनी हूँ माँ? तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारा साथ, तुम्हारा साथी। एक दिन आएगा जब दुल्हन की सेज होगी और वो पूनम का चांद तुम्हारे प्यार का साक्षी। तुम्हें पता है जब इंसान प्यार करते हैं तो अपने साथी के साथ अग्नि के साथ फेरे लेके सात जन्मों तक साथ रहने की कसम लेते हैं, और हम नाग नागिन जिससे प्यार करते हैं उसके साथ 100 जन्म निभाने की कसम लेते हैं। ऐसी है हमारी दुनिया। इच्छाधारी नाग नागिन थे तेरे बाबा और मैं, जब साथ आए 100 साल का प्यार था, 100 जन्म के साथ का वादा। दुनिया देखी, सदियां देखी, प्यार का ऐसा जोड़ था, ऐसी जोड़ी थी हमारी। तेरी भी जोड़ी बनेगी एक दिन उसके साथ जिसके लिए तू बनी है। मिलेगा तुझे भी वो इंसानी रूप जिस रूप में तू अपने प्यार से प्यार कर सके। पर प्यार के बिना हर रूप अधूरा है, और सच्चे प्यार को पूरा करती है शादी। जब हमारी मांग में कोई सिंदूर भरता है तो हम बन जाते हैं उस सिंदूर से। कभी हमारी मांग वो भरता है जिससे हम प्यार करते हैं, और कभी शादी के बाद प्यार परवान चढ़ता है। हे ईश्वर, ये कैसे संजोग में माँ की दुआ रंग लाई। पूरनमासी की इस रात प्यार तो मिला, पर इस प्यार में 100 सालों की नफरत है, 100 जन्मों का इंतकाम है। ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं, मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है, इंतकाम। मुझे किसी भी कीमत पर मेरे इंतकाम तक पहुंचना है। इसी वजह से मैंने ये शादी की। तो फिर मुझे ऐसे अजीब सा क्यों? यहाँ तक आ गई हूँ तो अपने इंतकाम तक पहुँचने के लिए भी दूसरा रास्ता ढूंढ ही लूँगी।